मुझे है ना बी और डी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं मैं तारे जमे की इनू तो नहीं। और इस कंफ्यूजन के कारण लोगों को मेरी बातें समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और मुझे लोगों की बातें समझने में। इस चीज के कारण हाल फिलहाल में एक छोटा सा किस्सा हुआ मेरे साथ। मेरे चैनल पे स्ट्राइक के कारण मेरी रीच बहुत ज्यादा डाउन हो गई, और मैं इतने साल से जो मेहनत कर रही थी वो सब पानी में चली गई। इसलिए मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गई थी, लाइक मैं किससे बात करूं, क्या करूं। बेस्टी भी थोड़ा बिजी रहती है ना, उससे भी दिन भर बात नहीं कर सकती मैं। और मेरे सर्वर पे उतने ज्यादा लोग आते नहीं, तो मैंने फेक अकाउंट बनाया, डिस्कॉर्ड वाला अकाउंट। बस मुझे लोगों से बात करनी थी, थोड़ा सा चिल करना था, बट अपनी आइडेंटिटी नहीं किसी को बतानी थी। और उसके लिए मैंने बहुत सारे सर्वर्स ज्वाइन किए, मतलब बहुत सारे। अब मैंने सर्वर ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन मुझे किसी भी सर्वर के वीसी में जाने में बहुत फटा रही थी। लाइक मैंने सोचा तो सही कि मैं लोगों से बात करूंगी, लेकिन मुझे बात करने में डर भी लग रहा था। तो देखो वीसी तो ज्वाइन करने से रही मैं, तो मैंने सोचा चैटिंग ही कर लेती हूँ। और जिस सर्वर में मैं गई थी वो सर्वर बहुत ज्यादा एक्टिव था। अब अगर तुम डिस्कॉर्ड चलाते हो तो तुम्हें पता होगा कि डिस्कॉर्ड पे जनरल चैट करके कुछ होता है, जहाँ पर बहुत लोग बातें करते हैं, बहुत सारे। अब इतने सारे लोगों में मैं कैसे बात करूँ, तो मैंने एक बंदे के मैसेज पे रिप्लाई दिया, और उसने लिखा था ओनली डीजे कैन फिक्स मी। अब मुझे लगा कि वो गाने वाले डीजे के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने उसके मैसेज पे रिप्लाई कर दिया कि तो फिर जाके सुन ले। तो उसने लिखा डीजे नहीं बीजे, मैंने है ना बीजे को डीजे पढ़ लिया था। और मैं इतनी डम इंसान, लाइक मैं थर्ड ईयर में आ गई हूँ और मुझे बीजे का मतलब नहीं पता। मैंने लिखा बीजे बीजे क्या होता है। वो बंदा बताने से शर्मा गया, लेकिन मुझे पूछते वक्त शर्म नहीं आई, मुझे नहीं पता था। लिटरली अभी भी मुझे बहुत शर्म आती है कि मैंने क्यों पूछ लिया उससे। उसने कहा तू नहीं समझेगी। मैं नहीं समझूगी, मैंने बोला समझा दे, मैं बड़ी समझदार हूँ। और इधर से हमारी थोड़ी बहुत बातों की शुरुआत हुई, लाइक कहाँ से है, कौन सी क्लास वगैरह वगैरह। एंड देन मेरे दिमाग में वापस से वो वाली बात हिट करी, बीजे वाली। तो मैंने पूछा उससे क्या ये डबल मीनिंग वाली बात है। वो बोला हाँ। और तब मुझे समझ आया कि भाई साहब मैंने एक अश्लील आदमी से इतनी सारी बातें कर ली। एंड देन ही वाज लाइक तू मेरी दोस्त बनेगी। दोस्त, मैं गंदे बच्चों को दोस्त नहीं बनाती। सेम टू सेम मैंने यही चिपकाया उसके मुंडे पर, आई मीन चैट पर। और फिर मैं वहाँ से बाहर आ गई। एंड देन थोड़े दिन बाद मैंने वीसी ज्वाइन करने का सोचा। पहले ही बता दूं कि जिस सर्वर के वीसी में मैं गई थी वो एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर का सर्वर है। वहाँ पर मैंने एक रैंडम चैनल के वीसी को ज्वाइन कर लिया, और वहाँ सब कुछ नॉर्मल सा हाय हेलो वाला सीन चल रहा था। और अचानक से एक बंदा आया, उसने अपना कैमरा चालू किया और अश्लील चीजें चालू कर दी। ओ भाई ये सब क्या देख लिया मैंने, छी आ तू, साले तेरा वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दूंगी। 15 साल का था वो बच्चा। खैर इस एडवेंचर में मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी, बहुत ही यूनिक थी वो चीजें। एंड मेरे थोड़े अच्छे दोस्त भी बने। अभी भी मैं फेक अकाउंट से लोगों की बातें सुनती हूँ, और मुझे वो चीज अच्छी लगती है। लोगों की बातें सुनो और अपना काम करो। खैर काम तो पानी में डूब गया है, क्या करे, रीच खत्म हो गई है, इसलिए अब मैं ऐसे छोटे छोटे से वीडियो बना के डालूंगी। चलो वाह ठीक है, अब बाय। और हाँ मेरा सर्वर भी है डिस्कॉर्ड सर्वर, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आती हूँ कभी कभार चिल करने के लिए।